गुरुजी बहुत कोशिश करने के बाद भी जैसा मैं चाहती हूँ उस अनुसार पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ और ऐसा कर नहीं पाती हूँ। मुझे ईश्वर के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? देखो, एक शिष्य था, उसके साथ कुछ लोग आते थे, तो एक व्यक्ति उसके साथ हर बार आए और एक दिन उसने आकर के पूछा गुरु से, जो उनके साथ एक व्यक्ति आया था या जिनकी व्याख्या आज के श्लोक में की है उन्होंने, नराधम अविश्वासी माया के वशीभूत लोग जिनकी उद्देश्य कुछ और होते हैं, तो बोले गुरुजी जितनी बातें आप कहते हैं, जितना सत्य आप उजागर करते हैं, जितनी श्रेष्ठता आपकी बातों से प्रकट होती है, क्या ये आपके जीवन में भी है क्या? जो बात आप कहते हैं कि आपके जीवन में भी है क्या ये? वो गुरु से, शिष्य का साथ आया हुआ व्यक्ति पूछता है। गुरु फिर वो साथ साथ ये भी कहता है कि चलो इस सवाल का जवाब भी आप मुझे देना, पर मेरी कुंडली भी मुझे जचवानी थी, सुना है आप ज्योतिषी भी अच्छे हैं तो मुझे कुछ चीज़ बता दें। तो उन्होंने कहा पहले तेरी कुंडली ही जांच लेता हूँ, इस सवाल का जवाब भी तो ये दे दूंगा। तो जब कुंडली जांचते हैं वो कहते हैं कि आज 12 तारीख है, 12 और 5 17, 17 तारीख को तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 17 तारीख को तुम्हारी डेथ का योग है, इसमें तुम बच नहीं पाओगे। और गुरु के बारे में धारणा ये थी कि जो गणना करते थे वो सत्य होती थी हमेशा। वो घबरा जाता है, वो बोले जी एक मिनट रुको मैं चला। बोले नहीं बैठो, पहले वाले सवाल का जवाब तो लेते जाओ। बोले नहीं 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 अब मैं चला जी, 5 ही दिन बचे हैं, मैं क्या सवाल जवाब करना आपसे, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पूछना। वो सीधा अपने घर, और घर जाके देखा तो वो 5 दिनों में, अब वो जब लास्ट वाला दिन है चारपाई पे लेटा हुआ है, तैयारी करके अपना बिल्कुल कि आज तो प्राणांत होना जो गुरुजी ने बोला होगा। अब गुरुजी वहाँ पहुँचे, अब उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? बोले जी प्रतीत कुछ नहीं, 5 दिनों में ना मैंने शराब पी, ना मैंने मांसाहार किया, जाके माफ़ी मांग आया, किसी को गाली दी थी तो उसके जाके पैर पकड़ लिए, किसी की ज़मीन हड़प ली थी उसे जाके रजिस्ट्री के पेपर वापस दे दिए, जिससे मेरा झगड़ा झांसा था सब खत्म कर लिया, और मैं तो जो भी घर घर में भी कोई भी कुछ कह रहा, जो खाना मिल गया मैंने खा लिया, जो नहीं मिला मैं आराम से शांतिपूर्वक सो गया। 5 दिन बाद तो जा नहीं है, 17 तारीख की तो डेट निकल आई। अब वो कहते मैंने तुझे आजमाइश के लिए बोली थी, 5 दिन के बाद तेरी मृत्यु का योग नहीं है, गुरु ने पहले दिन ही अपनी मृत्यु देख ली है, वो प्रति उसे तो मृत्यु शाश्वत सत्य है, तो वो रोज ही मरा हुआ है, रोज ही मृत्यु के दर्शन करता है, तो उसके मन में ये निष्प्रहता का भाव छिपा हुआ है, वो ना किसी से जुड़ाव है उसका, ना किसी से अलगाव है उसका, ना किसी से बैर है, ना किसी से मित्रता है, ना किसी से शत्रुता है। तो तूने जो 5 दिन का जीवन जिया ये तो प्रतिदिन का जीवन है किसी गुरु। वो बोले जी मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ, बड़ी गलती है, अब दोबारा से मैं कभी नहीं कहूँगा और मुझे वहीं रख लो, क्योंकि 5 दिनों में मुझे भी जीवन के दर्शन पूरा प्राप्त हो गया है और अच्छे बुरे का पता भी चल गया। जब सब लोगों को पता चला कि 5 दिन बाद चला ही जाएगा तो मेरे शर्ट पजामे जूते चप्पल तक लोग मांग के ले गए कि मरे हुए का क्या लेंगे, जिंदे से ले लो, बाद में तो वो ऐसा लगेगा कि किसी मरे हुए का सामान ले आए। तो बोले ये जीवन का सत्य भी पता चल गया, किसी भी एक आदमी ना कि ये नहीं मेरे बारे में बात की जिसने मेरे व्यक्तिगत रूप से पूछा हो, बल्कि कुछ जो मैं छुआरे बादाम और अखरोट वगैरह खाता था वो और बच्चे छीन के ले गए, तुम्हें तो मरना ही है 5 दिन बाद, क्यों इसे खराब कर रहे हो, हमें दे दो। तो मतलब ये भी ये सब चलता है ना, और भी कई सारी चीज़ें, मोटरसाइकिल भी किसी ने छीन ली पहले ही, बोले तू तो जा ही रहा है 17 तारीख को, हमें देता जा 13 तारीख को। तो ये सब ऐसे ही चलता है। जिस दिन आपको ये दर्शन हो जाएगा, देखिए इसमें कोई फर्क, इसमें सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का तो कोई फर्क है नहीं। एक ऐसी शाश्वत भविष्यवाणी है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बिना गैर ज्योतिषी भी कर सकता है, जिसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं वो भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। वो क्या भविष्यवाणी है? बिना ज्योतिष का ज्ञान के भी आप भविष्यवाणी कर सकते हो, बिल्कुल सटीक है वो, ये एकदम सत्य भविष्यवाणी है जो कभी झुठलाई नहीं जा सकती। वो भविष्यवाणी ये है हर व्यक्ति के बारे में कि एक दिन आप मरोगे, एक दिन व्यक्ति मरेगा, यानी जन्म के साथ जो सबसे पहला सत्य लिखा गया उसकी मृत्यु लिखी गई। जैसे जन्म नहीं लिया वो तो मरेगा क्या, तो जन्म है तो मरेगा भी, बस ये क्वांटिटी का फर्क है। 10,000 दिन की 10 दिन की 1,000 दिन की 1,00,000 दिन, वो क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। तो अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारी प्रतिपल ही, वो जो वो गाना था ना कि सांसों की क्या था, सिमरूं में सांसों की माला पे सिमरूं में पी का ना, वो सब वो पी मतलब परमात्मा की बात कर रहा है, वो कह रहा जितने सांस आ जा रही है मैं तेरा ही नाम सिमरूं। ये तो बाद में फिल्मों में डाल डाल के हमने उनके प्रारूप खराब कर लिए। तो ये सांसों की माला पे आप अगर उसका नाम सिमर रहे हो, वो सच्ची और अच्छी और सबसे सर्वोच्च प्रार्थना वही है। तो अगर हमें ये ध्यान आ जाए कि जाना तो है ही, फर्क ही तो दूर है बस। देखिए अभी देहरादून से चढ़े और पता चला पहुंचोगे आप होनोलुलु में, पहुंचोगे 1 साल बाद, तो पहुंच तो जाओगे ना 1 साल बाद, और अगर देहरादून पहुंचोगे तो 1 घंटे बाद, तो बस इतना ही फर्क है।
पहुंचना तो है ही, चाहे एक साल बाद कि एक घंटे बाद, तो ये ऐसा चलता है। तो आप अपना मनोयोग को निश्चित करें, फालतू के भ्रमों से बचें। जो आज के श्लोक का भावार्थ है पुनश्च सुनिएगा उसको। जितने लोग माया में आच्छादित हैं, माया मतलब जो है नहीं उसको समझ लेना, इतने काया का और माया का क्या दम्भ। तो ना काया हमेशा एक जैसी रहनी है, ना माया हमेशा एक जैसी रह जानी है। तो इस दम्भ में हम अगर फंसते हैं, माया में सारा बाह्य आवरण, सारी दिखावा, सब चीज़ें आती हैं। काया में हम सोच रहे हैं बहुत सुंदर हैं, हम बड़े बलिष्ठ हैं, हम ऐसे हैं, ये सब का कभी दम्भ नहीं करना चाहिए। तो ये जो माया की वशीभूत है वो परमात्मा की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी फिर कुछ और हो जाती है। कोइंसिडेंस भी होते हैं, लेकिन अगर हम समझने लगे तो आसानी हो जाती है, चीज़ों को समझने में बेहतर हो जाता है। Yeah.